निधिवन जो गया होगा उसने उन्होंने देखा होगा जो 5500 वर्ष पहले जैसे भगवान रास रचाते थे गोपियों के साथ, ठीक उसी प्रकार से आज भी भगवान गोपियों के साथ रास रचाते हैं। आज भी वहाँ आवाज आती है। तो जो निधिवन के अंदर दर्शन करने गया होगा वहाँ पर वृक्ष है, पर उन वृक्षों को देखना ज्यादा से ज्यादा सब एक ही समान है, उससे एक दूसरे से ज्यादा बड़े नहीं दिखेंगे। और जितनी व्यक्ति की हाइट होती है कुछ उसी प्रकार से हाइट है, 7-8 फीट से ज्यादा बड़ी हाइट भी नहीं है। कोई भी वृक्ष आपको अलग नहीं नजर आए, सब एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए, ये पराकाष्ठा है। आज भी वहाँ पुजारी श्रृंगार रखते हैं, दतून रखते हैं, और राम के समय ताला बंद कर दिया जाता है, और जब भोर में सुबह 3 बजे दरवाजा खोला जाता है, पट खोला जाता है, वहाँ जाते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। वहाँ कोई नहीं जा सकता रात में। एक संत महात्मा थे, उन्होंने जिद किया था कि हम जाएंगे, लौट के वापस नहीं मिले, सदेह गायब हो गए, देह भी नहीं मिली। ऐसी महिमा है निधिवन की। आज भी